हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आइए आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल ड्रेस डिज़ाइनर में। तो आज हम आपको 5 से 7 मंथ बेबी की ड्रेस बनाना बताएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो करते स्टार्ट। तो यहाँ मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे। पहले हम करेंगे टॉप पार्ट कटिंग। तो मैंने कपड़े को यहाँ 4 फोल्डिंग कर लिया है। तो यहाँ इसकी लेंथ रखी मैंने 10 इंच, विड्थ इसकी 7 इंच। तो यहाँ से हम शोल्डर का निशान लाएंगे 5 इंच पर, आर्म होल लेंगे 4.5 इंच और इन दो निशानों का आपस मिला लेंगे, यहाँ गुलाई देंगे। अब यहाँ से हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो वेस्ट लेंगे हम 6 इंच, तो यहाँ 6 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से इसे मिला लेंगे। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे पहले। ऐसे हम शोल्डर को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दोनों साइड से हमारी कटिंग हो चुकी है। तो बीच सेंटर पर जो हम कट लगा लेंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। तो हम इसे करेंगे ओपन। तो यहाँ मैं ऐसे शोल्डर के लिए 2 पट्टियाँ ले लेंगे, तो हम इसे ओपन कर लेंगे। इसकी विड्थ है 4.5 इंच, लेंथ इसकी 21 इंच। तो हम इसे कर देंगे पहले साइड। तो ऐसे मैंने 2 पट्टियाँ और ली हैं। इसकी लेंथ है 27 इंच, विड्थ इसकी है 4 इंच। तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को मैं सेंटर से सेट कर लेना है। तो यहाँ से 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और इसे तिरछा मिलाएंगे, स्लीव्स की शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ ही हमारी कटिंग हो चुकी है। तो हम इसे कर लेंगे ओपन। तो यहाँ से नीचे की तरफ से जो हम इसे फोल्ड करेंगे पहले, देखिए ऐसे, और दूसरी साइड से हम इसमें प्लेट डालेंगे सीधी तरफ से, देखिए ऐसे पूरे पर, दोनों पीसों पर। तो देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया, इसमें प्लेट भी डाल ली है। आप जो हमने पट्टी ली थी, जो ली थी 4.5 इंच की, हमने फ्रिल वाले पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, फैब्रिक को सीधा रखेंगे, देखिए ऐसे। और रखते हुए पहले यहाँ सिलाई लगाएंगे, फिर सिलाई लगाते हुए इसे पलटेंगे, पलटते हुए दूसरी साइड से पट्टी को पलट देंगे, देखिए ऐसे हमें लगा लेनी। तो देखिए मैंने इसे जो दोनों साइड से फिनिशिंग से जो लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, टॉप पार्ट लेंगे। तो टॉप पार्ट के सेंटर से ऊपर की तरफ से यहाँ से हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे दोनों पीस पर। तो देखिए हमारी सिलाई भी लग चुकी है। और हम क्या करेंगे, इसमें शोल्डर को जो रेडी करेंगे, तो साइड से हमने पट्टी ली है, इसे पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे दोनों पीस पर। तो देखिए हमारे शोल्डर भी जो रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्लीव्स रेडी की, तो उसे सेंटर पर रखेंगे, देखिए ऐसे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की विड्थ ले सकते हो और साइड से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे ऐसे, दूसरी साइड से भी। तो देखिए हमारे दोनों तरफ जो सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, साइड से इसकी फ्रिल रेडी करेंगे। तो इसे हम कर देंगे साइड। तो मैंने फ्रिल के लिए फैब्रिक लिया, जिसे मैंने 4 फोल्डिंग कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 20 इंच ली है, विड्थ ली है 28 इंच। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक पीस को निकाल देंगे और ऊपर की तरफ से यहाँ से प्लेट डालेंगे पूरे में, और नीचे की तरफ से उल्टी साइड से इसे एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों पीस पर। तो देखिए मैंने यहाँ फ्रिल को जो रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने टॉप पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रिल को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, साइड से यहाँ सिलाई लगाएंगे ऐसे, दूसरे वाले फ्रिल को भी, दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड फ्रिल को जो रेडी कर लिया है। और हम यहाँ पर लेस लगाएंगे, लेस लगाते हुए सिलाई लगा देंगे दोनों साइड, जो हम डोरिया लगाएंगे, डोरिया लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली दोनों साइड डोरियों पर। और हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे, उल्टा करते हुए इसे हम सेंटर से मिला लेंगे, देखिए साइड से ऐसे। तो मिलाते हुए साइड से सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही, दूसरी साइड से भी।
तो हमने यहाँ पैंट को कट कर लिया है। तो इसकी लेंथ लिए वो ली हमने 24 इंच, हिप इसकी हमने रखी 8 इंच, आसन जो वो 9.5 इंच, मोरी जो लिए वो ली हमने 7 इंच। तो हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर लेंगे, दोनों पार्ट को मिलाते हुए आसन से सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। देखिए हमारे दोनों साइड जो सिलाई लग चुकी है। जो हम यहाँ इलास्टिक डालेंगे, तो इलास्टिक हम कैसे डालेंगे, इलास्टिक हम यहाँ रख लेंगे और रखते हुए इसे एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे इलास्टिक को जो हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक को जो है रेडी कर लिया। अब हम नीचे के मोरी से एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों मोरियों पर, इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये इसका फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।